सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल नवंबर में एडमिट हुए थे एक हॉस्पिटल में। जी हाँ, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से बातचीत की है एनडीटीवी ने, और एनडीटीवी के हाथ क्या सोर्स लगा है चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूँ आपको कि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में इस बात को बताया गया है कि जिस हॉस्पिटल में सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल नवंबर में एडमिट हुए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उस रीजन के बाद उस डॉक्टर से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सुशांत जब एडमिट हुए थे उन्होंने कई बातें करते थे मुझसे। जी हाँ, डॉक्टर का कहना है कि सुशांत कहते थे कि उन्हें नींद नहीं आती है, उन्हें हर वक्त डर लगा रहता है, उन्हें बेचैनी सी रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात डॉक्टर का ये भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये कहा था कि मुझे जो है मुझे जीने की इच्छा नहीं होती है। अब ये अगर डॉक्टर्स की बात पर विश्वास जेन्युइनली किया जाए तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है देने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत का ये कहना था कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है। और सुशांत ने जब डॉक्टर से पूछा गया क्या कभी उन्होंने सुसाइडल थॉट्स आपको दिखाई या कभी ऐसी बातचीत में कहा, तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत ने हमेशा इस बात को कहा कि वो सुसाइड जैसी चीज़ में बिलीव नहीं करते। हाँ, लेकिन वो घबराए ज़रूर रहते थे, वो डरे हुए ज़रूर रहते थे, और वो उन्हें बहुत नींद आती रहती थी, अच्छा फील नहीं करते थे, ये ज़रूर कहा डॉक्टर ने। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो सुसाइड जैसी चीज़ के बारे में उन्होंने कभी कोई बात नहीं कही। सो अब ये जो पूरा केस है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, तो एक्चुअल में अब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रही है। हालांकि जितनी भी फाउल प्ले नज़र आ रही है, चाहे मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हो, चाहे वो यू नो सुशांत की रिपोर्ट्स में हो, हर चीज़ अब एक दोहरी स्टेटमेंट लग रही है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, ये आप मुझे बताइए। एंड ये चीज़ें मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको रिपोर्ट करके बता रही हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं और ये चीज़ें बताई जा रही हैं। सो एनडीटीवी के मुताबिक ये कहा जा रहा है, एनडीटीवी ने इंटरव्यू किया है एक डॉक्टर का, जिनसे बातचीत के जरिए ये बात पता चली है कि सुशांत जो है वो ऐसा करते थे। ये उस डॉक्टर का कहना है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आप सपोर्ट कर रही हैं, आप अगेंस्ट हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं अगेंस्ट हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो हम तक आ रही है। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, अब आप मुझे ये चीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति लगातार सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाले हुए हैं, और ऐसे में वो हर तरह से कोशिश कर रही हैं कि सुशांत को ग्लोबल सपोर्ट मिलता रहे लगातार। मिल वैसे भी रहा है, लेकिन और ज़्यादा मिलता रहे लगातार, ताकि एक जो प्रेशर है, जैसे सुशांत ने कई इंटरव्यूज में कहा था कि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन, इट कैन ब्रेक और इट कैन मेक थिंग्स, सो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से इस वक्त चीज़ें चल रही है, श्वेता सिंह कीर्ति ने कई पोस्ट्स किए हुए हैं, उन्होंने एक रीसेंट पोस्ट भी किया जहां पर वो नजर आई सुशांत सिंह राजपूत के साथ। सुशांत लेटे हुए हैं, उनकी दोनों सिस्टर्स यानी कि श्वेता और मीतू, ये दोनों ही लोग हैं, और पैसे उन पर गिरे हुए हैं। वहां पर श्वेता सिंह कीर्ति ने खूबसूरत पोस्ट में ये भी बताया कि कैसे MS धोनी जब रिलीज़ हुई थी 2016 में, तो MS धोनी की रिलीज़ के बाद श्वेता जो है वो इंडिया फ्लाई की थी और भाई के एक बार बुलाने पर आ गई थी, और आते ही उन लोगों ने साथ में बैठ कर पिक्चर देखी थी MS धोनी, एंड शी वॉज सो प्राउड ऑफ हर ब्रदर, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने लिखी है। सो कहीं ना कहीं ये जो एक थ्योरी आ रही है कि फैमिली के करीब नहीं थे, फैमिली से ज़्यादा मिलते नहीं थे, फैमिली से ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर ये सच भी नज़र आ रहा है कि अंकिता लोखंडे के साथ तक भी, इवन फॉर दैट मैटर कृति सैनन के साथ राबता साइन करने तक भी, सुशांत के कई ऐसे पोस्ट हैं फैमिली के साथ, कई यू नो चीज़ें हैं फैमिली के साथ। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि श्वेता सिंह कीर्ति ने ये जो बात कही है कि हम हमेशा फैमिली के लिए थे, ये हर बार प्रूव भी हुई है। सो कहीं ना कहीं फैमिली पर जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप साथ नहीं दिया, आपने साथ नहीं निभाया सुशांत का, ये इन चीज़ों से गलत प्रूव होते हैं। क्या कुछ आपको कहना है इस फोटो के बारे में, आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। रसोड़े में कौन था, ये सवाल अब ऑडियंस से आगे बढ़कर पहले टेलीविजन स्टार्स तक गया, और अब ये जो क्वेश्चन है यू नो ये पहुंच गया है डिस्कवरी चैनल तक। जी हाँ, रसोड़े में कौन था, ये सीधा अब डिस्कवरी चैनल इस बात को दिखाने वाला है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूँ आपको कि रसोड़े में कौन था, मैं थी, तुम थी, राशि थी, या कौन था रसोड़े में, ये सवाल पूछा है अक्षय कुमार ने। एक्चुअली पूछा नहीं है, अक्षय कुमार ने इसका जवाब दिया है। जी हाँ, अक्षय कुमार ने हाल ही में एक पोस्ट किया जहाँ
जहां पर उन्होंने एक फोटो पोस्ट की बेयर ग्रिल्स के साथ। जी हाँ, बेयर ग्रिल वो है जो कि मैन वर्सेस वाइल्ड होस्ट करते हैं और बचपन से हम उन्हें देखते आ रहे हैं डिस्कवरी चैनल में मैन वर्सेस वाइल्ड में। और इस बार मैन वर्सेस वाइल्ड में अक्षय कुमार विद बेयर ग्रिल्स नजर आएंगे और साथ ही साथ कुछ कुक करते हुए नजर आ रहे थे, कुछ जलाते हुए, कुछ पकाते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर अक्षय कुमार ने इस फोटो को अपलोड करते वक्त लिखा है कि रसोड़े में बेयर था एंड एनीवन कैन गेस क्या कुछ पक रहा है। सो वी आर डेफिनेटली श्योर कि इस बार मैन वर्सेस वाइल्ड में ऑफकोर्स अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं एंड हम सबको पता चलेगा कि रसोड़े में क्या पक रहा है। सो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आप मुझे बताइए दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। नारकोटिक्स ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने फाइनली अरेस्ट कर लिया है सैमुअल मिरांडा को। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। कुछ वक्त पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि किस तरीके से दो ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया गया है और उन दोनों ने ही शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया है। अब यहाँ पर जैसे आज मैंने सुबह ही आपको इन्फॉर्म किया था कि कैसे शौविक रिया इनके घर पर गई है एनसीबी और एक तरीके से रेड मारी है एंड सवाल जवाब तो हुए ही हैं, लेकिन अब एनसीबी ने धर दबोचा है सैमुअल मिरांडा को। उनको ड्रैग कर कर ले जाती हुई नजर आई। हालांकि बहुत हश-हश था क्योंकि मीडिया भी था वहां पर, बट एक सोशल मीडिया पर वीडियो है जहां पर सैमुअल मिरांडा को उनके घर से लेकर जाती हुई नजर आ रही है एनसीबी। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रग्स का एक एंगल आया है इसमें सभी लोग फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो ओरिजिनल केस है वहां पर अभी तक कोई डेवलपमेंट एज सच नहीं नजर आ रही है, लेकिन हाँ जहां तक बात ड्रग्स की है तो हर किसी का इन्वॉल्वमेंट क्लियर कट तरीके से दिख चुका है। हर किसी का जो चैट है, हर किसी की जो बातें हैं, ये बात अब तक प्रूव हो चुकी है कि ये लोग सब ड्रग्स ले रहे थे, सुशांत को दिया जा रहा था या सुशांत खुद ले रहे थे। इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सैमुअल मिरांडा को अरेस्ट कर लिया गया है, उनसे और भी पूछताछ करेगी एनसीबी। सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी, बट देखना ये होगा कि और क्या क्या चीज़ें धीरे धीरे बाहर आती है। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ईडी में, उसमें भी शौविक और रिया जो है वो अक्यूज्ड हैं। सुशांत के केस में भी रिया और शौविक अक्यूज्ड हैं और अब ड्रग के एंगल में भी एनसीबी के मुताबिक भी शौविक और रिया ये दोनों ही लोग अक्यूज्ड हैं क्योंकि ये दोनों भी बराबर से सेवन करते आए हैं ड्रग्स का। तो जितने भी चैट्स, जितनी भी बातें, जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं उन सभी में शौविक और रिया दोनों का नाम सामने आ रहा है। सो इससे इनकी एक्यूजेशंस जो है वो कुछ हद तक सही साबित हो चुकी है। अब देखना ही होगा कि एनसीबी आगे इन दोनों को लेकर क्या स्टेप लेती है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि सैमुअल मिरांडा हैज बीन अरेस्टेड। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। अजय क्या कर रहा है? शक्ति कपूर। जन्मदिन है ना, जूम तो कह रहे हैं ना, गाड़ी नंबर ले रहा है, ले ले ले, तेरे को याद नहीं रहता इसी।